नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। स्वागत है आपका टेकलुक प्रोडक्शंस पे। आपने अक्सर देखा होगा अपने माउस कर्सर को, एक डिफ़ॉल्ट माउस कर्सर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से दिया होता है। तो कभी आपने सोचा है कि आप अगर इसको आप इस एरो को चेंज कर सकते हो? तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने माउस कर्सर के आइकन को कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते होंगे वो ब्राउज़र ओपन कीजिए और वहाँ पे एक एड्रेस टाइप कीजिए, www.cursor.cc, और एंटर दबाइए। तो यहाँ पे आपको ये वेबसाइट ओपन मिलेगी। तो आप यहाँ पे दो काम कर सकते हैं। एक, आप अपना खुद का कर्सर बना सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक बना के दिखाता हूँ। आपको अगर आप ड्राइंग में अच्छे होंगे, डिजिटल ड्राइंग में, तो जैसे कि अभी देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है, इतना कुछ खास तो नहीं है, लेकिन आप अपनी क्रिएटिविटी से अच्छी ड्राइंग यूज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं आप। तो आप अगर इसको आप यूज़ करना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर्सर पे, अभी ये मेरा कर्सर मैंने बनाया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको सेव कीजिए। तो ये सेव हो जाएगा। तो आपको करना क्या होता है, आप अगर ये कर्सर आपको ये पसंद नहीं होगा तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, लेटेस्ट कर्सर, टॉप रेटेड कर्सर्स। तो आपको जो चाहिए, अभी मैं लेटेस्ट कर्सर पे यूज़ करता हूँ। यहाँ पे देखिए पहले से बनाए हुए कई सारे कर्सर्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आपको जो पसंद है वो कर्सर उठा लीजिए। तो ये सब फ्री में अवेलेबल है, तो आप डाउनलोड करेंगे और सीधे आप उसको अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं जैसे बताता हूँ, मुझे रॉकेट वाला कर्सर पसंद आया तो मैं इसको क्लिक करूँगा और जो इसको मैं डाउनलोड करूँगा, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है तो डाउनलोड कीजिए। आप इसको नाम दे सकते हैं रॉकेट, क्योंकि कर्सर तो पहले से ही सेव है वहाँ पे, सेव कीजिए। तो ये सेव हो जाएगा। अभी आप इसको बंद कर दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये माउस कर्सर को आप कैसे इन दो कर्सर में चेंज कर सकते हैं, एक तो हमने खुद से बनाया था और एक पहले से ही हमने डाउनलोड किया, पहले से ही जो अवेलेबल था उसको डाउनलोड किया। तो आप राइट क्लिक कीजिए और वहाँ पे पर्सनलाइज में जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे चेंज माउस पॉइंटर्स, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको अगर कुछ नया सिलेक्ट करना है तो इधर ब्राउज करके ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक कीजिए। तो आपने जो जहाँ भी सेव किया, अभी मैंने वो डेस्कटॉप पे सेव किया था कर्सर, तो सबसे पहले जो मैंने खुद से सब कर्सर बनाया था वो पे मैं ओपन करूँगा और उसको अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी ब्लू कलर में, इसलिए आपको दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन आप अगर ठीक से देखेंगे तो ये मेरा कर्सर जो है वो चेंज हो चुका है। अभी मुझे ये कर्सर पसंद नहीं है इतना, तो मैं फिर से वो रॉकेट वाला कर्सर अप्लाई करूँगा। तो वैसे ही आप राइट क्लिक पे जाइए और चेंज माउस पॉइंटर्स, पर्सनलाइजेशन में चेंज माउस पॉइंटर्स पे जाइए और यहाँ पे फिर से आप ब्राउज़ कीजिए। डेस्कटॉप में मैंने सेव किया था वो रॉकेट वाला, ये रॉकेट पर क्लिक कीजिए और उसको ओपन कीजिए। और आप इसका साइज़ आप बढ़ा भी सकते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया था तो उसको अप्लाई कीजिए। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, मेरा कर्सर जो है वो रॉकेट कर्सर में चेंज हो चुका है। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं, आप कोई भी पैटर्न ले सकते हैं, आप खुद से आप कर्सर बना सकते हैं। वो जो मैंने वेबसाइट आपको बताई थी www.cursor.cc, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से क्लिक करके आप अपना कर्सर खुद बना सकते हैं, नहीं तो जो पहले से बनाए हुए हैं उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको
फिर से वो डिफ़ॉल्ट कर्सर में लाना है, तो फिर से आप वैसे ही चीज़ें फॉलो करिए, जैसे कि राइट क्लिक कीजिए, पर्सनलाइज में जाइए, चेंज माउस पॉइंटर्स, और वहाँ पे यूज़ डिफ़ॉल्ट, जो डिफ़ॉल्ट आपका था उस पर क्लिक कीजिए और अप्लाई कीजिए, तो मेरा जो डिफ़ॉल्ट कर्सर था वो आ जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो और आप मुझे फेसबुक या ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।